हत्याकांड होते थे कांग्रेस के राज में, सामूहिक हत्याकांड। आज मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ग्वालियर आया था और पुलिस अफसरों की एक बैठक की थी और एक ही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप बताओ डाकू खत्म हुए कि नहीं हुए? आज डकैत समस्या का अता पता नहीं है और अपना दतिया जो कभी कस्बा कहलाता था आज शानदार महानगर बन गया है। एक बार ताली बजा के नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई। देखो विकास ऐसे नहीं होता। मैं आज आपको राज बताता हूं। हर कैबिनेट की बैठक के पहले प्लानिंग, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, सीसीएच कॉलेज, हवाई पट्टी और मैया का लोक, एक एक चीज की बारीक प्लानिंग कर और फिर उसको इंप्लीमेंट करना और फिर दतिया के स्वरूप को बदल कर रख देना। बताओ जैसी दतिया नरोत्तम मिश्रा ने बनाई कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? और आप देखो जब कांग्रेस जीतती है वह केवल तबाही और बर्बादी होती है। और इसलिए आज मैं अपने मित्र भाई नरोत्तम मिश्रा को दतिया के विकास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। और कार्यकर्ता भाइयों, जनता में यह संदेश पहुंचाना पड़ेगा और वो संदेश बूथ का कार्यकर्ता ही ले जाएगा। जब विकास बहुत होने लगता है, कितने गांव रह गए थे सिंचाई में? बीच में 35 गांव। तब मैंने लगन देखी थी कि चाहिए 35, 35, 35। कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए, हम फिर से छुड़ा लाए। हम छिंदवाड़ा का भी कर रहे हैं लेकिन वो छुड़ा छुड़ा के ले जाते। अच्छा एक बात तो बताओ कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते रहते थे, कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ रोते ना मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अब मैं आज पूछ रहा हूं कांग्रेस बताए मामा के पास पैसा कहां से आए? अरे आए कि नहीं आए बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत विकास हिंदुस्तान का हो रहा है। मोदी जी मध्य प्रदेश नहीं देश के भी दिल में और दुनिया के दिल में भी। भाजपा विकास के लिए पैसा कहां से लाती है? अरे जब चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है, इसलिए हम पैसा लाते हैं। हमने विकास के काम भी किए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। और लाडली बहना योजना, बताओ कैसी योजना है? जोर से बताओ, बहनों की जिंदगी बदली है कि नहीं? 15,000 करोड़ रुपए एक झटके में दे दिए, ले जाओ बहना। और ये इतना नहीं रहेगा, 3,000 रुपया तक जाएगा, 3,000 रुपया। अब भांजे भांजियों, कांग्रेस को अब भांजे भांजियों की याद आ रही है, लेकिन फिर में किताबें कौन ने दी? अरे कौन ने दी? साइकिलें कौन ने दी? लैपटॉप कौन ने दिया? और अब स्कूटी कौन दे रहा है? और भांजे भांजियों से भी कह देना मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो मम्मी पापा फीस नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? 1,00,000 नौकरियां, स्वरोजगार की योजनाएं, सीखो कमाओ योजनाएं। आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, एक ही बात बता दो, जैसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने किया है कभी कांग्रेस ने किया था क्या? और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सीना तान के जनता के बीच जाओ। और जो बात नरोत्तम जी ने कही है बूथ की, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने कही है बूथ की, चुनाव बूथ पर ही होगा।
चुनाव बूथ पर ही होगा और हमको बूथ पर ही लड़ना है। पर आप बताओ, जिसने रिकॉर्ड विकास किया उसको रिकॉर्ड वोटों से जिताना है कि नहीं? देखो एक बात याद रखना, रिकॉर्ड वोटों से नहीं जीतेंगे तो लोगों का विश्वास विकास से खत्म हो जाएगा। लोग सोचेंगे यार देखो क्या मतलब है, बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? तो रिकॉर्ड वोट, रिकॉर्ड विकास तो रिकॉर्ड वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डर का भय का वातावरण हमने समाप्त किया है। डकैती, आतंकवादी, नक्सलवादी, सिमी वाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंख नहीं उठा सकते। और इसलिए गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूंको, हर घर समझाओ। बीडी शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो जवान बच्चे उन्हें तो कांग्रेस का गड्ढा राज देखा ही नहीं है, उन्हें तो मोदी जी मामा का राज देखा है, हरा हरा दिख रहा है सब। तो विकास होता तो उनका हो रहा है इस प्रकार, लेकिन उस समय के राज किया था। और अपने बूथ पर एक एक मतदाता से बात कही अध्यक्ष जी ने, बूथ की टीम, पेज प्रमुख, पेज समिति, एक एक मतदाता से संपर्क करके अगर ढंग से बता दोगे तो कोई इंसान ऐसा नहीं है, कांग्रेसी भी वोट दे जाएंगे विकास के लिए। इतने काम हमने किए, लाडली बहना, किसान सम्मान निधि, 0% ब्याज पर कर्जा, सिंचाई की योजनाएं, हाथ ठेला वाले, फल वाले, सब्जी वाले, स्ट्रीट वेंडर योजना, तीर्थ दर्शन सब बंद कर दिए थे। अरे कोई सरकार देखिए जो बुजुर्गों को रेल से नहीं अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रही है, हवाई जहाज कितने का। लेकिन कार्यकर्ता बहन और भाई देखो आपकी परीक्षा है। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि मैं 5 साल तक कसर, 5 साल लगातार कसर नहीं छोड़ूंगा, 5 साल अच्छा काम चले इसके लिए आपको कितने दिन देना है? अरे कितने दिन देना है? 1 महीना देना है। नहीं नहीं 1 महीना दे दो भाई, 1 महीना, 1 महीना। इस बार दिवाली का मनाओगे? अरे दिवाली कैसे मनाओगे? इस बार दिवाली भी कमल वाली होगी, लक्ष्मी जी कमल पर ही विराजती। तो दिवाली का दिन भी ना छूटे। धनतेरस, अरे धन तभी आएगा जब भाजपा की सरकार आएगी, धन आएगा। और देखो बजट को हम लेकर 3,14,000 करोड़ तक तभी तो पैसा बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तो भूखलेट थी, पैसे ही नहीं खरोते ही रहते थे। 21,000 करोड़ का बजट, 3,14,000 करोड़ लेके अगली बार 3,50,000 करोड़ से ज्यादा निकाल लेंगे। चिंता मत करना, पैसे की कमी होने नहीं आने दो। तो धन 1300, 1400 और चाहे गोवर्धन पूजा हो और चाहे भाई दूज, तो ऐसी मनाना अपनी लाडली बहनाओं के साथ, एक बहन के साथ नहीं, लाडली बहनों के साथ भाई दूज मनेगी गांव गांव में, गांव गांव में। एक दिन बर्बाद मत करना, क्योंकि ये जनता की तकदीर बदलने वाला चुनाव है। अपने लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी जैसा देश बना रहे, प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश खड़ा होगा, तभी तो नीचे काम होगा। कमलनाथ दादा ने तो सब योजना ही बंद कर दी थी, उनकी सब योजना बंद कर दी थी। और इसलिए वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश जीतना है, और मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश जीतना है। अपनी पार्टी के लिए भी जीतना है, अपने नेता के लिए भी जीतना है, लेकिन जनता से भी कह दो कि तुम्हारे लिए तो जीतना है, असली तो जनता ही के लिए जीतना है, देश के लिए जीतना है। असली मेरे कार्यकर्ता भाइयों, कोई कसर मत छोड़ना, दिन और रात एक कर देना। और वो लोग जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर के लिए भी। बोलिए कोई कसर तो नहीं रखेंगे? नरोत्तम जी ने जो शपथ दिलाई है सब कुछ बूथ पर जुटेंगे। अपना अपना काम, नहीं तो अपन माहौल देख नहीं घूमते रहते हैं, काहे पर फलानी जगह जा रहा हूं, कहीं नहीं जाना, अपने बूथ संभालना है। चाहे प्रदीप अग्रवाल हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, एक कैंडिडेट और जल्दी घोषित हो जाएगा, तीनों सीटें बीजेपी को दिलाना है। बोलो दिलाएंगे कि नहीं? और नरोत्तम जी बधाई, इतना सुंदर कार्यालय है।
कार्यालय उत्तम है, उसी का नाम नरोत्तम है। इतना सुंदर जरा भैया दो माला लेके आओ। आज मैं विकास के लिए भी और इतने अच्छे कार्यालय के निर्माण के लिए भी पीछे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का स्वागत करूंगा। और इस संकल्प के साथ ये कमल वाली माला डाल रहा हूँ, इतने कमल खिला दो कि सबसे ज्यादा वोट से जीत जाए दतिया। प्रदीप अग्रवाल भी आ जाए, आज विजय की शुभकामना देनी है प्रदीप को भी, विजयी भव। अब हम देखो, आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये तो माँ का प्रांगण ही है। खड़े होके हम संकल्प लेंगे कि अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और दतिया के लिए नरोत्तम मिश्रा को और सेवड़ा के लिए प्रदीप अग्रवाल को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, बोलिए पीताम्बरा माई की, माई की, भारत माता की। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर ये कुबेर सिंह बघेल पूर्व प्रत्याशी जनता दल